हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, दोबारा हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मास्टर मूवी में भवानी इंट्रो सीन पे अपना रिएक्शन। अब तक जो है वो मास्टर मूवी के जेडी इंट्रो सीन और कबड्डी सीन पे अपना रिएक्शन शेयर कर चुकी हूँ और वो दोनों वीडियोज आप लोगों को बेहद पसंद आई और खूब सारे कॉमेंट्स आए थे कि मैम भवानी के इंट्रो सीन पे भी आप अपना रिएक्शन हमारे साथ शेयर करें। तो आप लोग की फरमाइश हमेशा की तरह सर आप हो पे हो और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिएक्शन शेयर करूंगी भवानी की इंट्रो सीन पे। लेकिन मेरी भी फरमाइश जल्दी से आप पूरी कर दीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को जल्दी से यहाँ पे पॉज करें, जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक जल्दी से पहुंच जाए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। So guys, without further ado, let's jump to the video and start watching the intro scene of Bhavani in movie Master. So guys, ये कर दिया है मैंने भवानी इंट्रो सीन प्ले। क्या ला रहे साथ में? वाओ, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन எல்லா சாமியும் கழுத்துல மாட்டிட்டு இருக்க, எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு வப்போம், ஆபத்துனா ஏதாவது ஒண்ணு வந்து காப்பாத்துங்க, மினிமம் கேரண்டி। 17 வயசுல என்ன உசுரோட விட்டுக்கன்னு கெஞ்சின பேச்ச பாத்தியானே, உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் பேசணும், நாளா வார வாரம் கொடுத்துட்டு இருந்தீ பணம் அது போதுலே, அதுக்கு பதிலா மொத்தமா எல்லாத்தையும் வித்துட்டு வேற எங்கயாவது வெளியூர்ல போய் பொழச்சுக்க। நானே இதை அடுத்த வாரம் உங்ககிட்ட சொல்லான்னு இருந்தேன், நானும் எத்தனை வருஷம் தான் வார வாரம் நான் உயிர் வாழ்றதை உங்ககிட்ட கப்பம் கட்டிட்டு இருக்க முடியும், அதான் இனிமே காசு கொடுக்கறதுல முடிவு வந்துட்டு। நீ என்ன பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு நீ முடிவெடுக்க முடியாதுல்ல மயிரு, நாங்க சொல்றத மூடிக்கிட்டு செய்யணும், எனக்கு எது சரின்னு படுதோ அதான் நான் செய்வேன். நீ என்னெல்லாம் பண்றேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்டே, நீ பண்ற தப்புக்கு அந்த பைலோல சரண்டராவ சொல்றது அவனுல கொலை பண்ண வைக்கிறது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல, இந்த திமிரா பேசாம ஒழுங்கா ஓடிடு சொல்லிட்டு இல்லனா எங்க கையால தான் உனக்கு சாக்காலம். நீ சுத்தி பாரு இது ஏன் இடம், நான் நினைச்சதே வெய்யே ஓ லாரி மட்டும் தான் இங்க இருந்து போ, நீ போக மாட்டே, உங்களுக்கு காசு கொடுத்து வேலை பாக்குறதுக்கும் விசுவாசத்து வேலை பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓஹோ, நான் வேணா ஒரு சாம்பிள் காட்டட்டுமா? सैंपल दिखाने वाला இவங்க மூணு பேரையும் இங்க அடிச்சு கொல்றவங்களுக்கு பரிசு பணம் 20 லட்சம் ரூபாய். டேய், எங்க வந்து என்னல பேசிட்டு இருக்க? காசுக்காக வந்து 3 million. Oh, 4 million. 4 million. Offer बड़े में बड़े जा रहे हैं। 6 million. रुको रुको। पैसा बहुत बुरी चीज है बस। Okay. 8 million. What?
8 million में डील लॉक. क्यों छोड़ गए उन्हीं के बंदों को खरीद लिया. ओए ओए क्या स्वैग है. ओ हो बीजेम कितना जबरदस्त चल रहा है. ये था भवानी इंट्रो सीन फ्रॉम मूवी मास्टर. और क्या जबरदस्त सीन है बॉस, मतलब मजा आ गया. जिस तरह जो है विजय सेतुपति सर जो है पहले ट्रक से उतरते हैं और साथ में वो जो एक अपने साथ थैला लेकर आ रहे हैं और उसके बाद जब वो एक भरम में बैठे और उसके बाद जो डायलॉग एक्सचेंज हुए और जब वो पैसों की मतलब काउंटर दे दे के उन्हीं के बंदों को खरीद लेते हैं और 1 मिलियन में डील लॉक होती है और उसके बाद जब वो मुझे एक पंच अपना बनाने से पहले वो जो उंगलियां अपनी चटका रहे थे और वो जो सीन था वो वाकई बहुत जबरदस्त. और वो जो थी इवल लाफ जो थी ना जिसके वो सामने जो उनके ऑपोजिट में थे वो उनकी नकल भी उतार रहे होते हैं. सो गाइज मेरे हिसाब से विजय सेतुपति सर के लेवल का अभी तक विलन नहीं है, मतलब इतने उन्होंने अपना लेवल हाई कर लिया है क्योंकि जिस तरह के उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं जो उनकी आंखें बोलती हैं ना वो वाकई वो डायलॉग जो है ना वो आंखों से बोल रहे होते हैं और उनके जो सीन्स होते हैं इस तरह के वाकई बहुत कमाल के होते हैं. और मुझे एक चीज और बहुत मतलब सिमिलर तो लगी और मतलब ऐसा लगा कि शायद उनकी पर्सनालिटी की एक है. जिस तरह विक्रम में भी विजय सेतुपति सर ने ज्यादातर जो है वो जो मारते टाइम किसी को अगर मारे तो अपना पंच का इस्तेमाल मतलब वो ज्यादा मारते, मतलब इतना ज्यादा किक्स वगैरह नहीं है. लेकिन जो एक दिखाया था कि जब वो ड्रग लेते हैं और तो वो दौड़ दौड़ पंच से मुझसे मार रहे हैं और बिल्कुल उसको बंदे को एंड कर देते हैं. इसमें भी मैंने देखा कि उन्होंने कोई और मतलब स्टंट नहीं, कोई और जैसे लाते नहीं मारी और कुछ नहीं कराया और जैसे सर मार देते इस तरह को कुछ नहीं करा, सिर्फ पंच मार मार के और हाथ तोड़ दिया और बिल्कुल खत्म कर दिया. सो ऐसा लगा कि उनके ना मूवीज में उनका जो ये पंचिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा हिट है और इसी वजह से वो जो है वो अपनी मूवीज में कंटिन्यू करते हैं. एंड आई एम रियली लविंग इट गाइज, मुझे तो बहुत मजा आया भवानी इंट्रो सीन में. आप लोगों को कैसा लगता है मेरे साथ कॉमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने सजेशन जरूर दीजिएगा कि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, बिकॉज आप लोग के जो सजेशन होते हैं ना वो मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं. क्योंकि मुझे वो ज्यादा ये अच्छा लगता है कि आप लोग की फरमाइश पे वीडियो बने क्योंकि आप लोग को जो पसंद आएगा और आप लोग को जिससे खुशी होगी उससे मुझे भी और ज्यादा खुशी होती है. सो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी. वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक है एंड कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा. मिलूंगी अब आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए रिव्यू या रिएक्शन के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.